अस्सलाम वालेकुम, मैं जुलेखा अरफा जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं रमज़ान स्पेशल डिश जिसका नाम है चीज़ चिकन चापली कबाब। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं घर पर, मैं आपको एक तोड़कर दिखा देती हूँ। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या चीज़ ये है माशाल्लाह। और आप इसे ये जो चटनी है दही हरी वाली जो चटनी है इसके साथ सर्व कीजिए, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इन्ग्रीडियंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए ये है आधा किलो चिकन बोनलेस का कीमा। वैसे थोड़े से चंक्स है ना इसके बड़े बड़े हैं, तो मैंने इसे क्या किया है ये ब्लेंडर में डाल दिया है। अच्छा, मैंने यहाँ पर ब्रेस्ट पोर्शन लिया, आप थाई पोर्शन भी ले सकते हैं। अब इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, मैं 3/4 छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ। वैसे मैंने चिकन के कीमे को अच्छे से धो के 15-20 मिनट के लिए नितारने रख दिया था साइड पर। 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटा चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। 3 हरी मिर्चियों को मैं ऐसा तोड़कर डाल रही हूँ, आप 4-5 डाल सकते हैं। 1.5 से 2 टेबलस्पून मक्खन यानी कि बटर डाल दीजिए, मेरा पिघला हुआ बटर नहीं है तो ये 2 टेबलस्पून जितना है। 1 टेबलस्पून भरकर भुना हुआ बेसन डाल दीजिए और इसे सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लीजिए और ये देखिए ऐसे, और इसे एक सबसे पहले बाउल में निकाल लीजिए। अब बड़े से बाउल में डालने के बाद इसमें हम डाल देते हैं 3/4 छोटा चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स, खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर, 1 मीडियम साइज़ की प्याज छूंदा काट कर डालिए, लेकिन इसे अच्छे से निचोड़ कर डाला है कि पानी सारा निकल गया। उसके बाद डाला 1 टमाटर को भी मैंने बारीक काट कर इसमें डाल दिया है, जिसके मैंने जो बिज्जे थे वो हटा दिए थे, फेंक दिए थे, और इसे बारीक बारीक काट कर इसमें डाल दीजिए और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, मैंने है ना ब्लेंड जब किया था तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई थी, तो अभी मैं डाल देती हूँ। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसे ढक कर फ्रिज के अंदर आधे घंटे के लिए रहने देती हूँ। अच्छा, आप उसी समय जब ब्लेंड कर रहे हो तब डाल दीजिएगा अदरक लहसुन के पेस्ट को। 1/2 घंटा हो चुका है तो मैंने फ्रिज से निकाल लिया, तेल है साइड पर और वो छेड़ा चीज़ खुरची हुई है। थोड़ा सा हाथों को तेल की मदद से ग्रीस कीजिए, एक जेनरस पोर्शन लीजिए हमारे चिकन का और इसे ऐसा बीच में से चपटे करते जाइए। जब चपटा हो जाए तो हमारी चीज़ जो है, मैंने छेड़ा ली, आप चाहे तो मोज़रेला भी ले सकते हैं, मुझे मोज़रेला उतनी खास पसंद नहीं आती है। बीच में इसे खुरची हुई चीज़ रखिए और इसे ऐसा फोल्ड कर दीजिए और ऊपर का जो है ना वो चिकन से ही सील कर दीजिए ऐसे, और इसे साइड से शेप देते जाइए और बीच में से चपटा करते जाइए, सो दैट हमारी एक चिकन चीज़ चापली कबाब रेडी हो गई। तो इसे मैं साइड पर रख देती हूँ और इसी तरीके से एक एक करके सारे मैं जो चिकन चीज़ चापली कबाब है वो बना लेती हूँ। जब सारे चिकन चीज़ चापली कबाब बन जाए तो मैं तो क्या कर रही हूँ, आधे एक घंटे के लिए इसे फिर से फ्रिज में रहने देती हूँ। अब आप चाहें तो मेरी तरह फ्रिज में रख सकते हैं, नहीं तो आप क्या कीजिए यहीं से ही प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं फ्राइंग का। चलिए अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो तवे का चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, तेल डाल दीजिए, आप देख सकते हैं तेल में थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ, और ये देखिए हमारी चापली कबाब क्या बढ़िया लग रही है ना, मज़ेदार सी माशाल्लाह। तो अब चूल्हा फास्ट आंच पर है और अच्छा तेल गरम कर लीजिए। अच्छा तेल गरम हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए मीडियम आंच और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर हमारी चापली कबाब डाल दीजिए। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ, 4 डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी जो आप देख सकते हैं फ्राई पैन कितना बड़ा है, अगर आपका फ्राई पैन छोटा हो तो 2 या 3 ही अगर आए तो 3 या 2 ही डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा ओवरक्राउडेड नहीं करना है, बस हमारा मकसद ये है। अब इन्हें मीडियम आंच पर तकरीबन 2 मिनट तक पकने दीजिए। जब 2 मिनट हो जाए तो इन्हें पलट दीजिए, पीछे का साइड भी 2 मिनट पकने दीजिए। जब 4 मिनट हो जाते हैं ऐसे में तो उलट पलट करते हुए इन्हें टोटल हमें ना 6-6.5 मिनट पकाना है। जब 6-6.5 मिनट होंगे तो आप देख सकते हैं इनका कलर भी हल्का हल्का चेंज होने लगेगा, अंदर से जो वो चीज़ है वो भी अच्छी मेल्ट होगी। आप देख सकते हैं चीज़ बिल्कुल भी निकली नहीं है, आप देख सकते हैं, और कितने बढ़िया से बन रहे हैं हमारे चिकन चीज़ चापली कबाब। अच्छा, और तेल आप देख सकते हैं ना ही एकदम कम है और ना ही एकदम ज़्यादा है, अच्छे से परफेक्ट बन रहे हैं हमारे चापली कबाब। जब टोटल 6.5 मिनट हो जाए, 6.5 मिनट में ना हमारी चिकन भी गल जाएगी, क्योंकि ये कीमा है और वो भी चिकन का कीमा है, तो उलट पलट करते जाएं और 6.5 मिनट हो जाए तो और लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दें इस तरीके से।
इसी तरीके से बैचेस के अंदर फ्राई कर लीजिए हमारे चिकन चीज़ी चापली कबाबों को। अच्छा, यहाँ पर मैं गर्मा गर्म प्लेट में निकाल रही हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं चीज़ खुरच कर डाल देती हूँ, थोड़ा सा कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल देती हूँ। गार्निशिंग करते हैं तो थोड़ा सा खूबसूरत भी तो लगना चाहिए ना हमारा चिकन चीज़ चापली कबाब। और मैं ना इसे ये जो हरी दही वाली चटनी आती है ना, जिसे हम टिक्काज और बिरयानीज या पुलावज और इनके साथ सर्व करते हैं, सीख कबाब के साथ भी मैं इसे सर्व करती हूँ, तो इस वाली चटनी के साथ मैं इसे सर्व कर रही हूँ। वैसे इस चटनी की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। अगर आपको दूसरी हरी चटनी भी चाहिए, उसका लिंक भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। अच्छा, हरी मिर्चियाँ, लाल मिर्ची का पाउडर और चिली फ्लेक्स, ये जो सारी स्पाइसेस वाली चीज़ें हैं वो अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिएगा। मैं आपको एक खोल कर दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितनी बढ़िया चीज़ी लग रही है, आप देख सकते हैं। वैसे ये मोजरेला चीज़ नहीं है, तो वो वैसी जो स्ट्रिंग्स नहीं निकल रही है, लेकिन मुझे ऐसी पसंद है, हम घर में यही खाते हैं, इसके लिए मैं ये वाली चीज़ यूज़ करती हूँ। ये कितनी खूबसूरत तो दिख ही रही है, बट मैं अभी आपको बता भी देती हूँ, एक खा भी रही हूँ, तो आप भी चलिए बिस्मिल्लाह मेरे साथ कीजिए। और ये चटनी के साथ तो बड़ी लाजवाब लगती है, माशाल्लाह। मैं खा लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार लगी मुझे, ज़रूर बनाइएगा, आपको भी बड़ी अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।